त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भागलपुर जिले में द्वितीय चरण से प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहले जिले के जगदीशपुर प्रखंड के 14 पंचायत के विभिन्न पदों के लिए नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय में 5 पदों पर हुए नामांकन में लगभग 1350 अभ्यर्थियों ने अलग अलग पदों के लिए अपना पर्चा दाखिल किया है। हालांकि नामांकन प्रक्रिया का अंतिम दिन होने के कारण प्रखंड कार्यालय में गहमागहमी कम दिखी। इस दौरान भवानीपुर देसरी पंचायत से नामांकन करने पहुंचे राजकुमार रंजन ने निवर्तमान मुखिया के कार्यों पर नाराजगी जाहिर करते हुए पंचायत के लोगों के सहयोग से अपने पंचायत के सर्वांगीण विकास की बात कही। तो हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है और आज नामांकन देने के पहले ही हम लोग बहुत प्रयास कर चुके हैं पुल के लिए। तो हमारे गाँव में पहले रोड भी नहीं था, हम लोग कैंडिडेट भी नहीं थे, हम लोगों के गांव में मुखिया भी नहीं था, फिर भी हम लोगों ने अपना दौड़ भाग करके हम लोगों ने अपना रोड बनाया। उसी टाइप से पुल का कोशिश कर रहे हैं। जिंदगी में पहली बार मुखिया चुनाव लड़ रहे हैं? जिंदगी में पहली बार लड़ रहे हैं। इसके पहले क्या करते थे? इसके पहले मैं बिजनेसमैन था, अभी भी बिजनेसमैन हूँ। मेरी माताजी बलवाचक पुरानी पंचायत से हैं और ये पंचायत समिति पद पे हैं। लगातार 2 बार जीती थी, ये 3री बार नॉमिनेशन कराई है। इस बार क्या मुद्दा लेके? मुद्दा मेरे पंचायत में वही है, नल नाला जो पुराना मीटर रहा था छूटा हुआ वो है, उसके अलावे जल नल का बहुत सारा अधूरा काम है, वो भी मुद्दा है, और पंचायत के अंदर कुछ लोगों का वृद्धापेंशन रुक गया है। वहीं जगदीशपुर BDO तरुण केसरी ने नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण होने का दावा करते हुए 16 सितंबर को स्क्रूटनी, 18 सितंबर को सभी प्रत्याशियों को सिंबल अलॉटमेंट करने और प्रखंड के सभी 14 पंचायत में 29 सितंबर को चुनाव संपन्न कराए जाने की बात कही। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि 1 और 2 अक्टूबर को भागलपुर के सबौर एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में जगदीशपुर प्रखंड का मतगणना होगा। पिछले शनिवार तक हम लोग को 1258 नामांकन पत्र विभिन्न पदों के लिए प्राप्त हुआ था। आज हम लोग का अंतिम तिथि है। 4 बजे तक जो भी काउंटर पर आ जाएंगे उनका नामांकन हम लोगों ने लेना बोल दिया है, अनाउंसमेंट भी कर दिया है बार बार, और सभी का नामांकन पत्र जो भी प्राप्त हो रहा है हमको सभी को डिजिटाइजेशन कराना है। तो डी से पहले तक जो भी 1258 हम लोग को मिला था हम लोगों ने करा लिया है लगभग। आज जो प्राप्त होगा हम लोग कल तक उसको करा लेंगे, उसके बाद ही प्रपत्र 7 का फाइनल हो जाएगा। और फिर 16 तारीख तक समीक्षा की तिथि है, 18 तारीख को नाम वापसी प्लस हम लोग फाइनल सिंबल का अलॉटमेंट कर देंगे। और वितरण का जो भी EVM वगैरह की तैयारी वगैरह यही लोकनाथ विद्यालय में की जाएगी, वहीं से वितरण MM का होगा। और 29 तारीख को मतदान के पश्चात सभी EVM सबौर किसी भी विश्वविद्यालय में जमा होगी। 1 और 2 तारीख को उसका काउंटिंग की तिथि निर्धारित है।